नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। साकेत महाविद्यालय में बहुत ही हंसी उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस गणतंत्र दिवस पर सभी महाविद्यालय जो इकाइयां हैं, लेबर विंग, आर्मी विंग के द्वारा परेड की गई, सलामी दी गई। महाविद्यालय के प्रोफेसर अभय सिंह ने सलामी दी और सभी इकाइयों के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। रोवर्स इंडियन के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आजादी के पहले और आजादी के बाद भारत के 74वें गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज इस गणतंत्र दिवस पर NCC आर्मी के द्वारा बाघा बॉर्डर के सीन को प्रस्तुत किया गया, देश को प्रेषित किया गया। शुभकामनाएं करती हूँ और हमारा देश आज यही शुभकामना देना चाहती हूँ पूरे देश को, और मेरा देश इसी तरह और प्रगति करे। बात रही कि जो है साकेत महाविद्यालय में जो रोवर्स रेंजर्स इकाई है उसके द्वारा जो है कलर पार्टी का भी इसमें प्रदर्शन रहा। कलर पार्टी जो आपके सामने खड़ी हुई है, जो है इसमें एक राष्ट्र का ध्वज है और एक स्काउट गाइड का ध्वज लिए हुए ये 5 सदस्यीय टीम है जो आपके समक्ष यहाँ पे खड़ी हुई है। तो बहुत ही अच्छा रहा इस बार जो है परेड में रोवर्स रेंजर्स के द्वारा कलर पार्टी का जो है प्रदर्शन रहा। तो मैं अपने पूरे देशवासियों, महाविद्यालय के छात्र छात्राओं, अपने शिक्षकों, कर्मचारियों और पूरे महाविद्यालय परिवार को 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य से देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया था स्वतंत्रता सेनानियों ने, गुलामी की जंजीर को तोड़ने का कार्य किया था क्रांतिकारी शहीद जवानों ने, हमारे देश के नागरिक भी उसी दिशा में आगे बढ़कर राष्ट्र के विकास में अपना पूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। मैं अपने महाविद्यालय के हर प्राध्यापक से उनसे आह्वान करता हूँ कि वो महाविद्यालय में शिक्षक की एक जो भूमिका होती है, समाज का दर्पण होता है, उसको अपना बखूबी निभाते हुए ऐसे छात्र तैयार करें कि जो राष्ट्र के विकास में अपना अपूर्णीय योग दे सके और राष्ट्र के विकास में अपना एक स्थान बना सके। जैसे कि सितारों पहुंचने के बाद भी हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के वैज्ञानिक, उनका पांव हमेशा ज़मीन पे ही रहता है। जो एक कल्पना की थी कि जो वर्तमान सरकार है कि आत्मनिर्भरता की तरफ देश आगे बढ़ेगा, उसी आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ते हुए हमने पूरे देश के जो सैन्य बल हमारा है, सेना है, उसको आत्मनिर्भर करने के लिए आज 26 जनवरी 2023 को जो गणतंत्र की परेड कर्तव्य पथ हो रही है उसमें केवल स्वदेशी सैन्य सामानों का प्रदर्शन किया जा रहा है। उसमें कोई विदेशी साजा सामान नहीं है। जितने भी सैन्य उपकरण हैं सब स्वदेश से निर्मित हैं, उनका प्रदर्शन किया जा रहा है। तो यही सोच लेकर के कि हम स्वावलंबन बने, आत्मनिर्भर बने, अपने देश की बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल करें। अभी भारत आईओ आया है, भार आईओ डिजिटल क्रांति में जो मोबाइल फ़ोन में एक एंड्रॉयड है और एक iOS है, ये दो केवल अमेरिका के द्वारा प्रदत्त है। तो जो भारत ने अभी लॉन्च किया है भार आईओ, उसको कितना हम समर्थन दे सकते हैं अपने इस डिजिटल क्रांति में, इसका भरपूर प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज़, हरित ऊर्जा की तरफ यह देश आगे बढ़ रहा है और 2070 तक यह उम्मीद की जा रही है कि हमारा देश कार्बन उत्सर्जन के मामले में एकदम जीरो हो जाएगा। तो डिजिटल क्रांति, हरित ऊर्जा, आत्मनिर्भरता की तरफ यदि हम आगे बढ़ते रहें, इसी कदम को आगे बढ़ाते रहें, तो निश्चित रूप से 2050 जो शताब्दी वर्ष गणतंत्र दिवस का मनाया जाए। राकेश कुमार है और आप डॉक्टर ऋषा पाठक मैम हैं। मैं यहाँ साकेत महाविद्यालय में रोवर्स रेंजर्स इकाई का यूनिट लीडर हूँ और आप डॉक्टर ऋषा पाठक जो है रेंजर लीडर हैं। सर्वप्रथम तो मैं सभी देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज साकेत महाविद्यालय में हमारे बहुत ही हर्षोल्लास से यह गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस गणतंत्र दिवस पर सभी महाविद्यालय जो इकाइयां हैं, NCC, NSS, रोवर्स रेंजर्स, सेंट जॉन पुलिस, पैरामेडिकल, नेवल विंग, आर्मी विंग और हमारे रोवर्स रेंजर्स के द्वारा परेड किया गया, सलामी दी गई। महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर अभय कुमार सिंह सर ने सलामी लिया
और सभी इकाइयों के द्वारा जो है अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। रोवर्स रेंजर्स के द्वारा हर वर्ष की बात इस वर्ष भी जो है आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद के भारत पर आधारित एक मुख्य अभिनय प्रस्तुत किया गया जो बहुत ही आकर्षक रहा। मैं उनकी एक झलक दिखाना चाहता हूँ आपके सामने। ये बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप जो है उन्हें देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा नज़ारा है। आज ये साकेत महाविद्यालय में 74वां गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, यह हम सभी के लिए बड़े ही गर्व की बात है। आज इस गणतंत्र दिवस पर आर्मी एनसीसी आर्मी विंग के द्वारा बाघा बॉर्डर के एक सीन को प्रस्तुत किया गया, दृश्य को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही स्ट्रेचर ड्रिल और जो है आर्मी विंग के द्वारा यहां पर जो है प्रस्तुति एक दी गई है जो है बहुत ही अच्छा रहा। सभी इकाइयों के द्वारा प्रस्तुतियां दी गई हैं। इस तरह से आज हमारे साकेत महाविद्यालय में बहुत ही धूमधाम से 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया जी। इस बार कुछ नया जी। हाँ, इस बार हमारे साकेत महाविद्यालय में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है वो बहुत ही आकर्षक रहा है और बहुत ही नवीनता को लिए हुए हैं, क्योंकि इसके पहले एक दो कार्यक्रम होते थे। आज जो है यहाँ पे सभी इकाइयों के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और जो है प्राचार्य जी को जो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं उनको सलामी दी गई और बच्चों ने एक के बाद एक अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ जो है दी अपनी जो देश को समर्पित थी। इस तरह से पूरा यह महाविद्यालय एकदम जो है देशभक्तिमय हो गया है। जो है अच्छी बात है और नवीनता। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।